गणपति बप्पा थैंक यू, मेरा सोहम जिंदा है गणपति बप्पा, आज आपने उसे मुझे दिखा दिया, अब मैं उसे ढूंढ लूंगी, बस मेरी मदद कीजिएगा, मैं अपने सोहम को किसी भी हाल में ढूंढ लूं, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। आजी आजी, तो ये प्रॉब्लम पता है क्या है, तू बहुत ज्यादा इमोशनल है, तू लोगों में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और इस वजह से तू बाद में हर्ट होती है। मेरी बात मान, ज्यादा मत सोच, अगर सोहम मामा तुझे देखकर भाग गए तो भागने दे, वो नहीं आना चाहते तेरे पास वापस, उन्हें नहीं मिलना अपने परिवार से, नहीं रहना हमारे साथ, तो ठीक है ना, उनकी मर्जी, तो क्यों उनके लिए दुखी हो रही है। आजी, जिन लोगों को हमारी फिक्र नहीं होती उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता। कहाँ जा रही? जिस काम के लिए आई थी वहीं जा रही, पैराडाइज होटल में मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अरे माफ कीजिए माजी, माफ कीजिए, अकाउंट नहीं। ए सोहम, अरे पगले काय रो रहा है? अरे बकलोल, ये तो अच्छा है कि तोरे को तेरे आईने देख लिया, अब सब कुछ दोबारा फिर से वैसा ही हो जाएगा, तोरे का तोरा परिवार अपना लेगा, वो अच्छे लोग है सोहम, तू जानता है वो लोगों का दिल बहुत बड़ा है, जा एक बार माफी मांग ले और अपने परिवार के पास लौट जा, बहुत अच्छे लोग है वो, ऐसा मौका तोरे को बार बार नहीं मिलेगा, जा सोहम जा। ठीक कह रहे। रुक 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 रुक, कहाँ बुढ़वा, कहाँ चल दिए? अब लोग पैरों में कुल्हाड़ी मारते, तू कुल्हाड़ी में पैर मारने जा रहा है? कमाल है भैया, ये वही माँ बाप है जॉन ने तेरी गौरी तोरे से छीन ली थी, ये भैया तोरा प्यार छीनने वाले, तोरे से प्यार व्यार नहीं करते, बात करता है, तू जाएगा तोरे को धर के फिर से थाना में डाल देंगे। और याद है कि नहीं है कि ई लोगन की वजह से ही तू आज तक सुधर नहीं पाया, सोहम से बिस्तर ई लोगन की वजह से ही बना था तू, की बात जाना था वापिस। तो हम तू की बात मत सुन, तेरे परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जाओ लोगों के पास। अच्छा परिवार अच्छा है इका? चल तू मेरे को एक तो अच्छा ही बता दे, हम तेरे को 100 बुराई गिनाएंगे के परिवार के। अरे सौतेले बेटे को ज्यादा प्यार किए ये लोग, तभी गौरी की शादी उस सचिन से कर दी थी, इसे नहीं किए थे। लेकिन गौरी सोहम से प्यार नहीं करती थी। अरे तो ये तो करता था, ई की बलि काय चढ़ा दी है, ये प्यार नहीं करता था। देख सोहम, दिल से नहीं दिमाग से सोच, ई के पास दोबारा कभी मत जाना, समझ गया? और ये बात जा सोहम, तोरा परिवार काहे का परिवार, हट परिवार, परिवार वो होता है जो तोरा ख्याल रखे, तोरी जरूरतों का ख्याल रखे, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया तोरा लिए, हमें तो तोरे को धोखा दिया, फिर से धोखा देंगे तोरे को, कभी दोबारा मापा मही जाना। सोहम ती की बात मत सुन, तू जा, तोरा आई तोरे से बहुत प्यार करती है, जा सोहम। नहीं सोहम, तू ना ही जाएगा, ई बकलोल की बात मत सुन, सिर्फ अपने दिल की सुन सोहम, जा हम कह रहे हैं जा, बहुत खुश रहेगा तू, जा। नहीं सोहम, तू ना ही जाएगा, जाएगा तो बहुत पछताएगा, धोखा खाएगा, हम बताते रहे तोरे को, जा सोहम जा। नहीं सोहम, हमारी बात मान, जा, तू ना ही जाएगा। सही कह रहा तू, जब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, हम कैसे सोचेंगे उनके बारे में? नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम नाई पापा के पास वापस, भी नहीं जाएंगे। नाइस होटल ना?
हाय हाय आई एम नरेन करमरकर. मेरा अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं चेक? आई विल जस्ट चेक. कॉन्फ्रेंस रूम में होगा. नाइस कलर. सॉरी आपके टॉप का कलर वेरी नाइस है ना. सर इट्स ऑन दैट साइड. ओके. ये पागल लगता है. करेक्ट एकदम सही पहचाना. आई एम सो सॉरी सर. नो डोंट बी सॉरी. करेक्ट मैं पागल ही हूँ है ना. ना इन्होंने एकदम पहचान लिया. वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन मैं ऐसा पागल नहीं हूँ. आई एम अ मैड जीनियस. नो सीरियसली नरेन सर. अब जैसे ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल मैंने डिजाइन किया. इसके सारे सॉफ्टवेयर भी. यू ट्रस्ट मी? दे डोंट ट्रस्ट मी. आई विल टेल यू. देखो इस पर लॉक कोड लगा हुआ है. आई विल ओपन इट. मुझे नहीं बताना कि आपका कोड क्या है. नरेन सर एक मिनट. या देगा? अब विश्वास हो गया. आई एम अ जीनियस. आई एम सॉरी सर. थैंक यू सो मच. नरेन सर आप एक काम कीजिए, आप वहां जाइए लॉबी में, मैं आती हूँ. ओके नाइस स्टॉप. बाय द वे आपने जिसे पागल कहा ना, उनका नाम है नरेन करमरकर और वो इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन में से एक है. सॉरी मैम. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मेरे पति हैं. हाँ जी मैं पहुंच गई. हाँ मैं ठीक हूं तो क्यों टेंशन ले रही है? पिया है ना मेरे साथ. अभी नहीं है, वो किसी दोस्त से मिलने गई है. हाँ डोंट वरी, हम दोनों घर पहुंच जाएंगे. अच्छा मैं रखती हूँ आज ही, मुझे मीटिंग में जाना है. बाय. एक्सक्यूज मी. किसी के भी बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लो कि क्या बोल रही हो. और जहां तक तुम्हारे मोबाइल का सवाल है, और ये मेरे हस्बैंड ने डिजाइन किया एंड दिस इज द फैक्ट. नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले सोचना. सॉरी मैम. यू शुड बी. कॉन्फ्रेंस कहाँ है? ऑन दैट साइड कॉन्फ्रेंस हॉल रूम नंबर 4. थैंक यू सो मच. चिंता मत करिए मिस्टर देशमुख, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स हमें मिली गई हैं और उसी बेसिस पर हम ये सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे. हाँ मे भी थोड़ा वक्त लग सकता है. क्यों वक्त लगेगा? किस लिए वक्त लगेगा? अभी अभी आपने कहा आपके पास सारे डिटेल्स हैं, तो वक्त किस बात का? 20 साल मिसेस देशमुख, 20 साल बाद यह सर्च ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं. इतना आसान नहीं है. आप प्लीज अपने हिसाब से काम कीजिए. मानव हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अर्चना. मानव 20 साल हो गए. 20 साल से सोम हमसे दूर है. और हमें पता भी नहीं सोम कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है वो. उसका परिवार होगा, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे होंगे. हमें कुछ नहीं पता. माने मुझे तो ये तक नहीं पता कि सोम अब तक मुझसे नफरत करता है या मुझसे प्यार करता है. वो मेरे बारे में सोचता भी. माने वक्त. अर्चना तुम इतना क्यों सोच रही हो? पुलिस ढूंढ रही है ना सोम को. एक बार सोम मिल जाएगा ना तो सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे. मानव अब हम समझ क्यों नहीं रहे? मानव मुझसे नहीं रहा जाता. नहीं रह सकती मैं सोम के बिना. जब मुझे दिखा है वो, मुझे पता है वो जिंदा है. और गलती मुझसे हुई है कहीं ना कहीं. मानव मुझे, मैं लास्ट टाइम जब इंडिया आई थी तो मुझे लग रहा था कि सोम यहीं कहीं है हमारे आसपास. लेकिन गलती हमसे हो गई कि हमने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की थी. मुझे मेरा सोम चाहिए. मैं अपने सोम से मिलना चाहती हूँ. मानव कहीं उसका परिवार यहाँ होगा, उसके बच्चे. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.